कर्नल कोठियाल जी का 2017-18 के छात्र संघ उद्घाटन समारोह में अभिनंदन करते हुए मैं खुद DSW बोर्ड की ओर से अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ सर। हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट टू यू कर्नल कोठियाल। चाहे बात जम्मू कश्मीर के सोपोर सेक्टर की हो, चाहे बात उत्तराखंड के केदारनाथ आपदा की हो, कर्नल अजय कोठियाल साहब और उनकी जो नीम की पूरी टीम है वो एक संकट मोचक बन के उत्तराखंड के भीतर आई। उन्होंने पूरे उत्तराखंड के लोगों का जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था उसे एक पट्टी पर लाने की कोशिश करी। वेलकम टू दी प्रांगण ऑफ बिरला कैंपस HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। स्वागत 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 है आप सभी का स्टूडेंट यूनियन उद्घाटन समारोह में। तो भैया इस बार आपने मौका दिया है जय हो ग्रुप को, सो गाइस एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे जय हो का परिवार, प्रेसिडेंट प्रदीप पवार और तमाम छात्र संघ पदाधिकारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज के चीफ गेस्ट वैसे तो उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, युवाओं के आइडल, सीने में कई मेडल, देवभूमि के लाल माननीय कर्नल अजय कोठियाल। मैंने हमेशा सुना था किसी का आइडल कोई होता है किसी का कोई, लेकिन पता नहीं था भैया आइडल आखिर होता क्या है। लेकिन जिस तरीके से यूथ फाउंडेशन की दीवानगी छा रही है तो उसी तरीके से उनकी भी दीवानगी बढ़ती जा रही है। अब भाई करे भी आखिर कर्नल ने वो काम है जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। अब केदारनाथ की आपदा को ही ले लो, आपदा ने कोशिश तो बहुत की सब कुछ उजाड़ने की, लेकिन कर्नल भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी कोशिश की उजड़े हुए को बसाने की। और साथ में अगर हम उत्तराखंड के युवा की बात करें तो उनके लिए भी कर्नल ने बहुत कुछ किया है, लेकिन कर्नल के प्रयास और मेहनत से एक नहीं बल्कि हजारों करीब करीब 2500 से ज्यादा लड़कों को भर्ती करवाया इंडियन आर्मी में, एंड द लिस्ट गोज ऑन ऑन एंड ऑन। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए कर्नल सर के करेज के लिए, जिनकी करेज की वजह से आज के यूथ को करेज मिलती है हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाने की। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु, निकल